2 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में बहुजन संघर्ष और शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, और ये रोने पीटने का नहीं है, एक तरह से समझिए कि सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्ध का शंखनाद उस दिन करना है। शॉर्ट नोटिस भी आपने बड़ी मीटिंग बुलाई है, और कपिल साहब ने जितनी बातें कही हैं मुझे उसमें कोई अचंभा नहीं होता है, कोई मैं सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि जिनकी भी सरकार रहे उनके उनके संस्कार यही था कि दलित पिछड़ा मुसलमान के लिए कुछ नहीं करना है। ये क्लैरिटी हम लोग को रख लेना चाहिए, तो इसलिए बिल्ली से दही की रखवाली संभव नहीं है। साथियों, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ हिंदू कॉलेज में, और पढ़ाने के साथ साथ लिखना पढ़ना तो चलता ही है, इसके साथ साथ जब भी मौका मिलता है, समय मिलता है, आप सबके बीच धरना प्रदर्शन तमाम कार्यक्रम में रहता हूँ, और मुझे लगता है कई बार करीब 22 साल पढ़ा चुका मैं कि अगर सब कुछ ठीक ही रहता और समाज हमारा जागृत ही रहता तो रोज़ रोज़ ना हमें धरना करने की ज़रूरत थी और नई मीटिंग करने की ज़रूरत थी, बैठ के आराम से किताब लिखते, बाबा साहब को और पढ़ते, लोहिया जी को पढ़ते, सबको पढ़ते, आर्टिकल लिखते, किताब लिखते, तो ये और प्रोडक्टिव होता। लेकिन जो मेरा अनुभव है पढ़ने लिखने से भी और आप सबके बीच आने जाने के बाद, मुझे लगता है कि हमें समाज को जो है, लोग कहते हैं मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो 4-5 साल से जितना एक्टिव था बहुत साथियों को ये लगता था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कोई ये सब काम कर रहा हूँ। चुनाव भी लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ने से कोई परेशानी थोड़ी है, वो भी लड़ा जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि चुनाव कब लड़ना चाहिए कि जब समाज की गति को राजनीति से आगे कर दिया, जब समाज आपका राजनीति से आगे दौड़ना शुरू करेगा तो उस दिन आप समझ लीजिए न चुनाव हमें लड़ने की ज़रूरत होगी, ना आपको लड़ने की ज़रूरत होगी, जो नेता चुन के जाएंगे ना संसद और विधानसभाओं में उनके लिए हम ऊंट का काम करेंगे, ऊंट का काम करेंगे, कान पकड़ के उसको ठीक करेंगे। 35 सब प्लान की बात भाई साहब ने की, 35 साल में ये बनी थी, 78-79 में ना SC ST बनी थी सब प्लान, और 2,83,000 करोड़, मतलब 4 साल पहले का आंकड़ा दे रहा हूँ, अब बढ़ ही गया होगा, 2,83,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च हुए, वापस चले गए सरकार को, और उन सूबों में वैसी सरकार भी थी इनमें कि जो कथित रूप से सामाजिक न्याय की सरकार थी, एक दो कोई इसमें धुला हुआ नहीं है, कोई बाकी नहीं है, सब सरकारों ने पैसा खर्चा नहीं किया, चाहे दलित मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे पिछड़ा मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, और इसमें एक लंबा लेख छपा था, वो उस लेख के आधार पर हम लोगों ने बहुत कुछ और फाइंडिंग्स RTI के आधार पर पता चला था। ये तो आखिर क्या बात है कि जो SC ST सांसद भी चुन के जाते हैं, 130 होंगे SC ST सांसद, 131 लोग लोकसभा में हैं, वो भी जाते हैं तो जनऊ आरक्षण में मेजी थपथपाते हैं, गरीब पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण 10% आरक्षण आया है, वो गरीबी के आधार पर नहीं है, वो शुद्ध रूप से जाति के आधार पे वो आरक्षण है, और उसमें हमारे नेता जो है वो मेज थपथपा रहे थे, और विडंबना दिखे जिसको मैं जनेऊ लीला कहता कि जो बिल पेश किया वो मंत्री गहलोत दलित है, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा है, और राष्ट्रपति दलित है, और मेज थपथपाने वाले ज्यादा सांसद वो दलित पिछड़े ही थे वहां, और दलित पिछड़ों के हाथ से ही इस संविधान की हत्या का प्रयास हुआ, ये संविधान की हत्या का प्रयास मैं कह रहा हूं, 10% ये संविधान बदलने की तैयारी है और इसकी कार्यक्रम ये शुरुआत हो चुकी है। तो साथियों, ये बार बार सोचने को विवश करता है कि आखिर कैसे, ऐसी क्या बात है कि अब बहुजन हम कहते हैं 85% दलित और मुस्लिम हमारा ये मोर्चा तो है ही, पिछड़ा को छोड़ना नहीं ना, तो भाजपा में भाग जाएगा, वो उनको भी पकड़ के रखना है, तो क्या ऐसी बात है कि हमारा नेता मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि हमारा वोट लेता है और हमारा ही गला काटता है, हमारा तो छोड़िए बाबा साहब के पूरा जो ड्रीम था उसका गला काट लिया इन नेताओं ने, ये है चुनो, ये सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो मुझे लगा कि मैं हमारे जैसे एक्टिविस्ट को देश भर में मैं घूमता रहता हूँ, मेरी कोई शनिवार रविवार छुट्टी नहीं होती, सूरज जी और हम जब भी आप देखेंगे तो फोटो सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, घूमते रहते हैं, मुझे लगता है कि अब समाज को जागृत करने का
वक्त आ गया और जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा उस दिन आपके सारे काम हो जाएंगे। हमने सवाल नहीं पूछा अपने नेताओं से, हमने अपने इंटेलेक्चुअल्स नहीं क्रिएट किए, एडवोकेट खूब नहीं बनाए हैं, हिस्टोरियन नहीं बनाए हैं, सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनाए हैं, हमने खाली एमएलए एमपी बनाए हैं। तो एमएलए एमपी जब मिस थपथपाऊ रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। तो साथियों, ये निराशा का युग जरूर है, लेकिन मैं इस निराशा में भी बहुत आशान्वित हूँ कि अगर दलित मुसलमान को जितना पीटा गया है, आरक्षण की हत्या हो गई है, असुरक्षा का माहौल है, चलिए दलित पिछड़ा को तो छोटा सा मरहम की तरह आरक्षण मिला, मुस्लिम को तो कुछ मिला भी नहीं, अन्य देगा सरकार। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, दलित और पिछड़ों की जिम्मेदारी है कि जब दंगा कराने के लिए आपको हिंदू बोले तो हिंदू नहीं बोलना है, उस समय बोलिए कि मैं दलित पिछड़ा हूँ, वोट लेने के लिए हिंदू, दंगा कराने के लिए हिंदू, और जब आपके अधिकार छिन्न हो उस समय आप दलित बैकवर्ड हो जाते हैं, ट्राइबल हो जाते हैं। इसलिए क्लैरिटी हर समय रखना है, जब भी किसी अल्पसंख्यक भाई पे हमला हो तो घर नहीं बैठना है, उसकी रक्षा में डंडा लेके खड़ा रहना है। जिस दिन ये करना आप शुरू कर देंगे ना, कितने लोग हैं ये लोग, 3-5% लोग, 2 मिनट में घर में दुबक जाएंगे, ये हमें करना है। तो साथियों, जो जुल्म अत्याचार बढ़ा है, मतलब हम लोग भी उसको शिकार हैं, हम लोग कई मुकदमे झेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन इससे कोई घबराते नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि रोहित मामूला घटना नहीं संकेत था, जुनैद अखलाक जितने सब घटना नहीं संकेत है, तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि 2 अप्रैल और 5 मार्च भी घटना नहीं संकेत था कि सोशल मीडिया में हम लोग भारत बंद कर देंगे, सरकार को दोनों बार झुकना पड़ा। ये हमारा रोल है, ये कोई सांसद और मंत्री को हम लीडर नहीं मानते हैं, लीडर तो उसको मानते हैं जो सड़क पर लड़ता है, लीडर वहां से पैदा होता है, और हमें 1-2 लीडर नहीं, 1000 ऐसे लीडर्स पैदा करना है भारत में घूम घूम कर। यह भी घटना नहीं संकेत था कि 2 अप्रैल को व्हाट्सएप पे भारत बंद हो गया, यही भी घटना नहीं संकेत था कि अगर रोस्टर के सवाल पर अगर आप बहुजन के हितों की हत्या करेंगे तो 5 मार्च फिर रिपीट करेंगे, भारत बंद करेंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए आप सबको बधाई है, क्योंकि ये हम लोग ने इनिशिएट किया था, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस संविधान बचाओ संघर्ष समिति, एक इनफॉर्मल सा ग्रुप हम लोग ने 5-10 लोगों ने बनाया है, वो सब आप लोग सब उसके पार्ट हैं, उसका लीडर कोई नहीं, हमारा कोई लीडर, सब लीडर है हमारे, तो हमने बनाया है। और मुझे लगा कि ये 5 साल ये सरकार हुई है, देखिए सामाजिक काम 5 साल करते रहिए, और राजनीतिक रूप से अपने शत्रु को अगर नहीं पहचाने तो सामाजिक कार्य करने का कोई मतलब नहीं होता है, कि 5 साल सामाजिक काम किया, जब वोट देना हुआ तो अपने शत्रु को ही वोट दे दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को हर समय राजनीतिक रूप से जागरूक और सचेत रहना चाहिए, उनके अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक शत्रुओं को पहचानना चाहिए। तो 5 साल में जो जितना सोशेबाजी सब सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, सब सरकारें, खैर भाजपा का तो उनका संस्कार ही था कि हमारा दमन करेंगे ही करेंगे, उनसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो हमको छोड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक बनाया बहुजन एजेंडा 2019। 2 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में बहुजन संघर्ष और शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, और ये रोने पीटने का नहीं है, एक तरह से समझिए कि सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्ध का शंखनाद उस दिन करना है। वो एजेंडा हर पार्टी को भेजा जाएगा, हर पार्टी को भेजा जाएगा, और बोला जाए भाई ये तुम इसमें अपना पोजीशन क्लियर करो, पोजीशन क्लियर करो कि जितने संसाधन, आरक्षण छोड़िए, आरक्षण से आगे की बात अब करेंगे, कि देश के जितने संसाधन हैं, सत्ता के जितने तमाम केंद्र हैं, उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। सारे सरकारी महकमों में या प्राइवेट में जितने लोग यहाँ पे SC ST OBC का हक मार के जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान से आके काम कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका से आके काम कर रहे हैं, कि इसी देश का सवर्ण सबकी हकमारी करके बैठा है, उसके बावजूद इनको एक्स्ट्रा टन 10% गैर संवैधानिक आरक्षण इनको दिया गया है। तो इसलिए हम क्यों लड़ रहे हैं, मैं मेरी तनख्वाह एक MP के तनख्वाह से ज्यादा है, फिर भी हम लोग रोज लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिससे मान लिया आग लगी है, अगर कम से कम इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम भगोड़ों में नहीं लिखा जाएगा, कम से कम लड़ने वालों में लिखा जाएगा, और ये हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो यकीन मानिए कि जिस तरीके का ये पूरा संस्कार है सरकारों का, चाहे जो भी सरकार हो, 2 अप्रैल को हम दिल्ली सरकार के मंत्री जी को ही बुला रहे हैं, उनसे वही सवाल जो कपिल साहब ने कहा, वही सवाल जवाब होगी जनसभा में। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिए,
जो समाज जागृत रहता है उसी के आर्थिक और राजनीतिक हित प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हमें लग रहा है कि अभी हमारा बहुजन समाज अभी जागृत नहीं हुआ है, इसलिए किसी का भी प्रोग्राम हो, कहीं भी हो, भाई साहब जानते हैं मुझे, मैं हर प्रोग्राम में चला जाता हूं। क्यों? इसलिए जाता हूं कि एक नंबर तो मैं बढ़ा ही सकता हूं ना, 99 है तो एक में चला गया तो 100 पूरा हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कौन बैनर है, कौन झंडा है, आप सब लीडर हैं, झंडा आपका, बैनर आपका, सब कुछ आपका, आप सब लीडर हैं। जहां भी इस तरह का प्रोग्राम हो, सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर और फेसबुक पर मैं हूँ और वहीं से काम करता हूँ, घर बैठे बैठे काम करता हूँ। कि जहां भी लगे आंदोलन हो रहा है, खाली आप संख्या बढ़ा दीजिए, जिस दिन 2 करोड़ लोग दिल्ली के सड़क पर खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन आपको अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, उस दिन अधिकार आप छीन लेंगे और सरकारें आपके घर पे जाके आपको अधिकार देगी। आपका भाई इसी काम में लगा हुआ, जिसको तुम लड़ाना है लड़ाओ चुनाव, जिसको टिकट देना है दो, उसमें हमारी बहुत दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगली बार अगर संसद में चुन के आओगे तो न सड़क को सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा होने देंगे। शुक्रिया साथियों, आप सब जितने सोशल मीडिया पे हैं, 2 अप्रैल दिल्ली चलो, रामलीला ग्राउंड भरो। अगर उस दिन आप रामलीला ग्राउंड भर दिए, लाखों की संख्या में आ गए, आप देखिए, यकीन मानिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे है, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि जो भी सरकारें आएंगी ना वो हमें इग्नोर करके नहीं चल सकती है, उनको हर समय उनका घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर भारत बंद करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।